जगह पे देखो यार, बहुत गंदगी पड़ी है और उसी के पास में एक घर बना हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि रास्ता इतना कंफ्यूजन है, पूरा भूल भुलैया है, पता नहीं चल रहा है किधर से निकलने का किधर से घुसने का। एक बार घुस गए आप यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल है भाई। और यहाँ पे देखो नीचे गंदगी है। अब चलो इधर से आगे, अभी थोड़ा सा उजाला है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं जिनके पास में BMW मर्सिडीज लेवल की कारें बाहर खड़ी है रोडों पर। अच्छा, पढ़े क्या करते हो भाई? ये हंस रहा है यार मेरे ऊपर। और रहते भी इसी में ही हो आप लोग हैं और काम भी यही करते हो? तो ये देख लो भाई, इसी कमरे के अंदर रहना भी है और काम भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे से एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम घूमेंगे एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में जिसका नाम है धारावी। इस 2.5 किलोमीटर के एरिया में 10 से 12 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पे 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो हर 1300-1400 लोगों के बीच में एक पब्लिक टॉयलेट है। तो अभी मैं आ गया हूँ माहिम जंक्शन पर, यहाँ से मैं ये ब्रिज उतरूंगा। इस ब्रिज के नीचे उतरते ही आपको धारावी स्लम एरिया दिख जाएगा। यार मैं जैसे ही ये स्टेशन से नीचे उतरा ना, बारिश आ गई है, टम 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 बारिश आ रही है, लेकिन भीड़ काफ़ी खतरनाक है यहाँ पे। आप देखो ये एरिया है पूरा धारावी का। इसके पीछे भी आप जाओगे तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलियाँ वहाँ से आपको झुकी बस्ती सब देखने को मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से सफाई हो रही है नालियों की। जगह काफ़ी कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मेंटेन करना मुश्किल होता है। बाकी ये बस्ती अपने आप में एक मिसाल, एक अजूबा है। यहाँ पे बहुत भारी भारी टैलेंट निकल चुके हैं। मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप गूगल पे सर्च करोगे तो धारावी से इतने भारी भारी टैलेंट निकले जिनके आज लाखों में फैन फॉलोइंग है। मैं आ गया हूँ ये ब्रिज के नीचे, जो नाला है उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है सब झुकी झोपड़े बनी हुई है, इसके पीछे पूरी धारावी कॉलोनी है। और इस नाले की स्थिति देखो आप, ये तो अभी फिलहाल काफ़ी साफ है, लेकिन कई समय पे ऐसा था, अभी 2.5-3 साल पहले तो 4 साल पहले ऐसा कहते हैं इस नाले के पास में आप खड़े नहीं हो सकते थे। मैं अभी फिलहाल इस नाले के पास में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी ये साफ दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी साफ़ नहीं है। छोटे छोटे घर बने हुए हैं। हम नाले के जितने भी गंदगी, जो गंदे मच्छर होते हैं कि उन घरों में यहाँ ज़रूर जाते होंगे, गंदगी काफ़ी। हम दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो एक कचरे का डब्बा पड़ा है। काफ़ी सोच रहा हूँ इस धारावी की झुकी झोपड़ियों की गलियों में कहीं से घुसूँ। एक्चुअली में गली कोई मिल नहीं रही है मुझे, तो मैं यहाँ से घुसता हूँ अंदर। इधर से किधर जाने का है? इधर से राइट जाने का कि लेफ्ट जाने का? इधर से जाऊँ। यहाँ पर आलू और प्याज की दुकान है छोटे से। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर आपको हर तरह का व्यापार मिल जाएगा। घर देख के अंदाजा मत लगाओ कि यहाँ पर लोग गरीब होंगे, यहाँ पे अमीर लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास में BMW और मर्सिडीज़ भी खड़ी है बाहर। ये देखो यहाँ से अब इस गली में लेते हैं भाई साहब, इतनी पतली गली हो रही है, सब घर बने हुए। अब ये देखो घर, ये देखो आप गली, इतनी पतली गली। अब यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर जा रही है भाई साहब, इतना अंधेरा है कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो छोटी सी पतली गली है, तो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान, ये देखो वो जबरदस्त, इतनी पतली गली है, सारे घर बने हुए हैं। तो अब देखो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ज़मीन तो आपको यहाँ पे दिखेगी ही नहीं भाई साहब। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ा उजाला है। अब यहाँ से थोड़ा अंदर चलते हैं, ये सारे घर बने हुए हैं इधर भाई। ये सब गलियों में कैसे तार लटके हुए हैं यार, गजब, मतलब गजब एक्सपीरियंस है यार। मैं आपको क्या बताऊँ इस चीज़ जगह का, बहुत मन के अंदर एक चाहत है कि यहाँ धारावी को कभी घूमना है। हाय, व्हिच कंट्री यू केम? इंडिया। मैं तो इंडिया से हूँ भाई। क्या नाम है तेरा? अरवाज। अरवाज, अच्छा अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? नाम क्या है? मैं ट्रेवल भी था हमारा, ट्रेवल भी था ना। अच्छा, कितनी कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 8th में हूँ। 8th में? अरे वाह, चलो बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो। ठीक है भाई। तो ये देखो, ये इस पतली गली है छोटी सी। नमस्ते आंटी। ये स्थिति मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि यार बहुत तकलीफ वाली, लेकिन है तकलीफ वाली तो भी लोग अपने पूरे उम्मीद से और पूरे जज्बे से जी रहे हैं। फिर लोग ये सब घर बने हुए हैं इधर छोटे छोटे, हर जगह आप कोई ना कोई बैठा हुआ मिलेगा आपको। मैं सोच रहा हूँ इधर से सीधे ही जाता हूँ। ये देखो ये गली पतली सी यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें तो, और इतनी छोटी गली है कि अगर सामने से कोई आ गया तो पूरा जाम हो जाएगा। इधर से भी निकल सकते हैं। चलो इधर से जाएगा ना रास्ता, चलो इधर से चलते हैं। गजब यार, सच बता रहा हूँ आपको, एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस है ये। सारे घर बने और ये सीटियाँ देखो आप, ये भी कोई घर पे ऊपर भी घर बना हुआ है और ये सीटी ऐसे चढ़ रही है। इधर एक छोटा सा घर, यहाँ से यार किधर जाएगा भैया रास्ता? इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो रोड पे निकलो। नहीं नहीं, थोड़ा अंदर जाना है कॉलोनी के अंदर। इधर जाना? हाँ हाँ, इधर से गली सीधा मारना। हाँ हाँ, एक बजी ये मारना, फिर बाहर निकलो। तो मैदान बाहर नहीं निकलना है मुझे, मतलब पूरा अंदर घूमना है। हाँ, अंदर वाड़ी मैदान में निकलो, मैदान में निकलो। हाँ हाँ, वहाँ तो कोई भी गली में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अनस। चलो मोहम्मद अनस भाई, थैंक यू। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से भाई बोल रहे हैं यहाँ से ले लें लेफ्ट। अब देखो छोटी सी गली के अंदर एक दुकान भी मिली है अपन को। इधर जाना है क्या?
कहीं में भी घुसो, गजब गलियां बनाई हुई है यार। ये लो फिर अंधेरा आ गया यहाँ पे तो, और नीचे मुझे कुछ दिख नहीं रहा एक्चुअली में तो, वीडियो मेरे को लगता है वीडियो में भी कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन है ये देखो यहाँ पे जगह जगह थोड़ा थोड़ा उजाला है। ये ऐसी स्थिति है भाई गली की, गजब एक्सपीरियंस है यार। फिर भी यार सलाम है इन लोगों के जज्बे को, गलत आ गए हम लोग यहाँ तो, सामने ओपन हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। अच्छा ये भी है ना इधर गली, चलो भाई इधर से चलें कि इधर से देखता हूँ यहाँ से कौन सी गली है। यहाँ थोड़ा उजाला है भाई, इधर से भी जा सकते हैं भाई साहब। ये गलियाँ देखो यार इतनी पतली पतली गलियाँ, इधर से जा सकते हैं ना। अच्छा भाई यार गब मतलब भयंकर वाली स्माइल आ रही है यहाँ पे तो, शायद फिश या किसी की आ रही। इधर जाते देखो ये गली देखो आप, इतनी पतली गली भाई साहब। इधर से अब आगे मेरे को लगता है गली है या नहीं पता नहीं, है आगे गली है जाने की भाई साहब। ये देखो भैया कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है यार, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को सलाम है और जज्बे को सलाम है कि बिना हार माने यहाँ पे लोग इस तरीके से रह रहे हैं यार। यहाँ पे इधर से किधर से निकलना भाई, इधर से चलो भाई इधर से निकल, थोड़ा अंदर जाते हैं। हाँ इधर चलते हैं, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है यार। ये देखो एक गली और इधर देखी, तो मैं बता देता हूँ आपको धारावी की कुछ स्टोरी के बारे में। एक्चुअली में 1850 के अंदर ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ करता था, यहाँ पे कोली मछुआरे सब रहते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने रहने की यहाँ पे जगह बनाई, और कुछ समय के बाद में ये कॉलोनी इतनी बड़ी हो गई दलदल के सूखने के बाद, उसके बाद में इसका नाम रखा गया धारावी। इधर से निकलना पड़ेगा अभी आगे, जाओ वो भाई लेके जा रहा है अपन को। ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। हेलो हेलो भाई, ये देखो यहाँ थोड़ा उजाला दिखा देखने को। हाँ कि इतनी छोटी छोटी गलियाँ थी यार उस्ताद, काफ़ी लोग आते जाते मिल रहे हैं मुझे यार, लेकिन सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कुछ भी डरने वाली या कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है, सबका बिहेवियर बहुत बढ़िया है यार, सब बढ़िया लोग हैं यहाँ पे, हंसते खेलते, और आप किसी से भी पूछोगे तो आपकी हेल्प कर देंगे यहाँ पे लोग। हाँ भैया बाहर इधर से निकलना है, उधर से निकलना है, ये देखो थोड़ा उजाला है इधर से, ये गली देखो। एक्चुअली में क्या है कि रास्ता इतना कन्फ्यूजन है, पूरा भूल हो गया है, पता नहीं चल रहा है किधर से निकलने का किधर से घुसने का है। छोटे छोटे बच्चे इधर से निकलता हूँ, ये पूरा छोटी सी गली मिली है, फिर एक बहुत अंधेरा है यार यहाँ पे, आपको वीडियो में भी कुछ नहीं दिखेगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था वीडियो में क्या दिखेगा। ये हाईवे पकड़ने के लिए सीधे जाना है, हाईवे पकड़ने के लिए कौन सा? नहीं मतलब ये सीधा अगर जाना हो तो पूरा एकदम सीधा जाओगे, लेकिन यहाँ से हाईवे नहीं, हाईवे तो रोड से ही है। रोड से ही है क्या? चल इधर से बाहर निकल जाएगा ना। हाँ बाहर हाँ, इधर से बाहर। ठीक थैंक यू। दो छोटे बच्चे खेल रहे इधर, उस वक्त धारावी और अन्य झुग्गियों में लोगों की संख्या को बढ़ने का कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने कई गरीब लोगों को शहर से हटाना शुरू कर दिया, और कई खारखाने को शहर से हटा दिए गए, फिर लोग रहने की तलाश में इन झुग्गियों में बसते गए। तो अब ये धीरे 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 यहाँ पे लोग, क्योंकि रहना यहाँ पे बहुत महंगा हो रहा था, एक समय के बाद में यहाँ पे 10 से 15 लाख लोग इकट्ठा हुए, 12 लाख लोग इकट्ठा हुए। इधर से भी तो दुकान के पास मेरे को ये एक ही भूल भुलैया दिख रहा है बस, पूरा वो बाजू से गली है ना सीधा मैदान, ये वाली हाँ वो दुकान के पास से। अच्छा अच्छा थैंक यू आंटी। भाई यहाँ से निकलना, एक बार घुस गए आप यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल है भाई, इधर से जाओ। अच्छा 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 चलो भाई, ये छोटी सी गली के अंदर मैं निकला हूँ। हाँ ये कुछ यहाँ पे दिखा है थोड़ा सा उजाला, लेकिन गलियाँ बहुत छोटी है भाई साहब। चलो यहाँ से चलते हैं, ये देख लो आप धारावी एरिया, ये एक छोटी गली, ये इतनी सी गली है भाई, यहाँ तो मुड़ भी नहीं सकते यार, सीधे जाना पड़ेगा लग रहा है, पूरा अंधेरा गुप है यार, किधर से निकलने का किधर से जाने का है। सही बता रहा हूँ आपको यार, अलग लेवल का एक्सपीरियंस है ये। चलो इधर से निकलेंगे, इधर थोड़ा सा उजाला मिला है यहाँ पे, बकरे बंधे हुए पड़े। चलो भैया सामने मैदान, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं इस मैदान में, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, और सामने थोड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखी है। तो इधर से मेरे को लगता है इधर से निकलूँगा। हाँ हाय हाय, हाँ
मैं अंदर था। हैं? अरे वाह, यहाँ पे भाई डैडी की जा रही है। ये देखो इनको चिंगो मुंगों को। इस पूरे 2.5 किलोमीटर के एरिया में आपको 10 से 12 लाख लोग हैं। एक्चुअली में सती का आंकड़ा तो किसी को पता है नहीं, लेकिन अंदाजन 10 से 12 लाख लोग रहते हैं और 80% लोग यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो आप, ये है थोड़ी सी चोरी खुश रोड आई है। चलो यहाँ से अंदर चलेंगे। और आपको यहाँ की जनसंख्या के बारे में अगर आंकड़ा बताऊँ तो यहाँ पे 30% लोग मुसलमान हैं, 63% लोग हिंदू हैं और 6% लोग ईसाई है। तो बाकी का जो 1% है वो मिक्स है थोड़ा। मतलब ये देखा जाए तो ये देश की सबसे ज़्यादा शिक्षित एजुकेटेड झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसके बारे में, यहाँ पर 14 साल की लड़कियों ने, लगभग 14 साल की 3 लड़कियों ने यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप बनाई थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मिसाल है। सामने अपना तिरंगा ले रहा है, मैं इतना वीडियो बनाया अंदर, लेकिन सारे लोग एक नंबर अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं यार। और मैं सबसे सही बात बताऊँ, यहाँ पर सारे धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं यार। और एशिया के अंदर 50% चमड़े का व्यापार इसी मार्केट से किया जाता है, इसी जगह से किया जाता है। तो यार टैलेंट की भी कमी नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर, 8 सालों के अंदर यहाँ से टैलेंट भी बहुत भरमार निकला है और 2-3 तो फिल्में भी बन चुकी है, जिसमें से एक को तो ऑस्कर अवार्ड मिला, सलम डॉग मिली लिया, वो इसी की जगह के ऊपर बनी थी। और दूसरी थी गली बॉय, वो भी इसी जगह के ऊपर बनाई गई थी। सारी भरमार दुकानें बड़ी है यार, मोबाइल, सब्जी मंडी, ये वो सब आपको चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर। ये गोकुल सुपर मार्केट, सामने चप्पल की दुकान, होटल, वाह भाई साहब, गाड़ी का बहुत हॉर्न है भाई। ट्रैफिक इतना नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा तो गाड़ी का हॉर्न है। तो ये पीप आप ये चलता ही रहेगा। इधर हल्की हल्की बारिश हो रही है यार। और ये मंडी है कुछ, यहाँ पे सब्जी मंडी है सामने, ये चिकन की दुकानें हैं, सब्जियों की दुकानें, फ्रूट वगैरह, मतलब हर कोई आपको यहाँ पर काम करता हुआ दिखेगा। कोई भी यहाँ पे पॉकेट में फालतू में नहीं बैठा है, सही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हर आदमी आपको यहाँ पे कोई ना कोई काम करके दिखेगा, भले कैसा भी काम हो कर देंगे ये लोग। सही में यार, हैट्स ऑफ है। एक कुछ अलग हटके मैंने आज अपनी लाइफ को जिया है यहाँ पे। पता नहीं रोड के ऊपर गिरा है, ये दूध गिरा है कि कुछ गिरा है, शायद दूध गिरा है रोड के ऊपर। ये देखो वाइट वाइट हो गया। ये इधर भी आप जाओगे तो पूरा आपको मिल जाएगा, अंदर मिल जाएंगे। मैं इस तरफ जाता हूँ थोड़ा यार, इस तरफ थोड़ा देखूँगा, क्योंकि बारिश आ रही है यार। एक तो वीडियो बनाने का मज़ा किरकिर हो रहा है बारिश के अंदर। नमस्कार। और सामने एक होटल है, होटल के अंदर देखो काम कितने लोग काम कर रहे हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे होटल है खाने की, साइड में आए हाय हाय हाय। मेरे हिसाब से हर आदमी यहाँ पे अच्छा खासा कमाता है, मतलब 2-3 महामारियों ने धारावी को हराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों का जज्बा इतना ज़्यादा है कि महामारी यहाँ पर हार के चली गई। 1896 में एक वायरस आया था फ्लैग करके, उस पर भी धारावी पर उसका भी असर पड़ा था। फिर आया 1986 में फेजा, उसका असर भी धारावी में देखने को मिला। फिर आया कोरोना, तो कोरोना काल में भी यहाँ पे लोगों को काफ़ी झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने कोरोना काल में भी हार नहीं मानी और डट के सामना किया उस वायरस का भी। अंदर की झुग्गी बस्ती मैंने आपको दिखाई है, दुकानें देख लो आप। तो ये इस तरीके से माहौल है, आपको हर जगह लोग दिखेंगे, हर जगह लोग दिखेंगे। और क्या मार्केट बनाया है इन लोगों ने यार, हर आदमी दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है अपने लिए, क्योंकि उसको पता है शाम होते होते मुझे 500,000 रुपये कैसे भी करके अपनी जेब में डालने। कोई भी आदमी पॉकेट फ्री में नहीं बैठा है, सब मेहनत कर रहे थे। ये ज़िंदगी, हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं यार, यहाँ की ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। आपको मैं बताऊँ, एक आंकड़ा मैंने देखा था कि 100 स्क्वायर फीट के एक रूम में 8 से 10 लोग रह जाते हैं, मतलब एक छोटे से कमरे के अंदर 8 से 10 लोग रहते हैं यहाँ पे। भाई साहब इधर देखो कपड़ों की शॉप कितनी शानदार दिख रही है, सारी बिल्डिंग आपको इस तरीके से दिखेगी और सब पुरानी है। मेरे को ऐसा लगता है सब 30 साल 50 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग ही है। कोई भी मुझे एक भी बिल्डिंग यहाँ पे नई नहीं दिखी है, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है अभी नई नहीं ये दिख रही है मुझे। देखो अभी हल्की हल्की बारिश आ रही थी, बारिश के साथ में हवा थी तेज़ हो गई है, तो मैंने इस गली के अंदर लिया है। अभी यह गली का माहौल कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर भी आपको साइडों में दुकानें मिल जाएगी। और ऊपर जाने के लिए सबसे अनोखी चीज़ मुझे यहाँ पर लिखी, हर घर के बाहर ऐसी सीटी लगाई हुई है। अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो ऐसी सीटी पर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मस्त चंगू मंगू खेल रहे हैं। ये सामने मदरसा लग रहा है मुझे, मस्जिद आहिले है ना, ये मदरसा ही है। क्या नाम है तेरा? हुसैन। हाय हाय, पढ़ाई। अच्छा पढ़ाई क्या करते हो भाई?
ये हंस रहा है यार मेरे ऊपर। क्या यार मेरे पे क्यों हंस रहा है भाई? वीडियो बना भाई का, थोड़ा सा तुमने इंट्रोडक्शन लो ना। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मगर इनको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है इनको, सरकार किसकी है सब पता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हुसैन। अच्छा, अभी हम सरकार किसकी है? मोदी की। मोदी की? अरे वाह, मोदी को आगे कांग्रेस की जीत होगी। अरे चलो भैया, अच्छा लगा, थैंक यू, चल बाय। यार काफी बढ़िया, इंटरेस्टिंग लोग यार, सब हंसते खेलते, आपको चेहरे दिखेंगे। मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि ये सब चीज़ों में तो जमेलों में पड़ता नहीं है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, लेकिन लोग काफी बढ़िया है, सब हंस रहे हैं। देखो अभी भी आवाज़ लगा रहा मेरे को। इस जगह पे देखो यार, बहुत गंदगी पड़ी है और उसी के पास में एक घर बना हुआ है। अब यहाँ के जितने भी मच्छर होते होंगे इन घरों में ऊपर जाते होंगे, लोग कैसे रहते होंगे यार, ये इतनी गंदगी यहाँ पे यार, इस तरीके का हाल है यहाँ पे। देखो चिंगू मुंगू क्रिकेट खेल रहे हैं और कुर्सी लगा के भी लोग यहाँ पे मैच का मजा ले रहे हैं। तो ये देखो चिंगू मुंगू बैटिंग कर रहे हैं सर, और दो भाई कुर्सी लगा के बैठे। अबे खाने कहाँ जा रहे हैं, खाने के? सारी बिल्डिंग कुछ इस तरीके से बनी हुई है यहाँ पे। देखो ये देखो यहाँ पे भी कुछ कपड़े का ही कारखाना दिख रहा है मुझे ये भी। ये देखो यहाँ पे भी क्रिकेट खेल रहे हैं और भाई भाई वो शाम। हेलो हेलो हेलो। ये देखो यार चिंगू मुंगू छोटे छोटे। हाय हाय, क्या नाम है तेरा? वाह बहुत क्यूट है यार तू। और ये भाई वो देखो आप बॉलिंग कैसे कर रहे हैं टेबल पे बैठ के। हेलो 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 हेलो, क्या नाम है आपका? हसन। अच्छा बैटिंग हो गया आपकी? आउट हो गया? नहीं। तो फाइनल है? आउट हो गया ये? अरे नहीं हुआ, ये आउट हुआ। हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? चलो भाई ये आउट हो गया, नहीं इसका बैटिंग फाइनल मैच है। अरे बाप रे, चलो बाय 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 बाय। ये देखो आप यहाँ पे इस तरीके से घर बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटी सी गलियाँ हैं। यहाँ पे कपड़े का कारखाना चलाया जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ मदरसा वगैरह चला। नमस्ते अंकल। सब लोग बढ़िया यार, हंस के आपको खेल के जवाब देते हैं यहाँ पे। नमस्ते नमस्ते अंकल। चलो इधर से चलते हैं। ये देखो भाई ये रूस के बैठा है, इधर खेल नहीं रहा है। इस पूरी गली के अंदर एक छोटी सी दुकान भी, अंधेरा है दिख नहीं रही है, छोटी सी दुकान भी लगाई हुई है भैया ने भाई से। इसको देखो, और यहाँ पे देखो नीचे गंदगी है। अब चलो इधर से आ गया, अभी थोड़ा सा उजाला है, मतलब सामने से कोई आदमी आ जाएगा तो आदमी मुड़ भी नहीं पाएगा, इतनी पतली पतली गली है। ये लो बिल्ली भी आपको दिख जाएगी इधर, दो दो बिल्लियाँ हैं। मतलब ये जगह ऐसी है, इंसानों को भी पाल रही है, जानवरों को भी पाल रही है। आप सोचते हो कि इस एरिया को देख के ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, ये भूल है आपकी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं जिनके पास में BMW मर्सिडीज लेवल की कारें बाहर खड़ी है रोडों पर, और वो लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं गली के अंदर घुसाऊँ और इस गली के अंदर तो भाई बहुत अंधेरा है, घोप अंधेरा, अभी यहाँ से सीधे निकलना पड़ गया भाई, अंधेरा घोप है यहाँ पे। तो अब क्या वीडियो आएगा यार, देखो बिल्कुल रोशनी का नाम नहीं है इस गली के अंदर। तो आप ये सोचोगे अगर कभी ऊपर से अगर आप इस कॉलोनी को देखोगे तो ज़मीन तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो सामने भी एक कपड़े का कारखाना, हर आदमी यहाँ पे काम करता हुआ मिलेगा। क्या भैया कपड़े का कारखाना है क्या? कपड़े का बैग बैग बैग। तो ये आप देखो ये बैग का कारखाना है, यहाँ पे बैग बनाए जा रहे हैं। ये तीन भाई लोग अपने बैठे हैं इधर। अच्छा तो अभी आज बना नहीं रहे हो बैग के, रेस्ट पे हो? अच्छा संडे छुट्टी रेस्ट, और रहते भी इसी में ही हो आप लोग हैं, और काम भी यहीं करते हो। तो देख लो भाई इसी कमरे के अंदर रहना भी है और काम भी है। क्या नाम भैया आपका? आफ्ताब। आफ्ताब यहाँ से धारावी से? अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? जीशान खान। क्या? जीशान खान। जीशान खान, वाह बढ़िया, अच्छा लगा भैया आप लोगों से मिल के, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भाई। अरे मिला लो यार, ब्रश कर रहे थे, क्या हो गया? ये थोड़ा सा उजाला है रोड के ऊपर, सॉरी गली के अंदर। वाह देखो इतनी पतली गली है, छाता भी निकालने को नहीं हो रहा इधर से। आ जा भाई आ जा, अब इधर से राइट जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है? चलो राइट चलते हैं। यहाँ थोड़ा उजाला है, घरों के अंदर ही काम चल रहा है लगभग लगभग। अब यहाँ पे भी देखो मूर्तियाँ बनाई जा रही है भाई। नमस्ते सर। गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके लिए यहाँ पे भैया मूर्तियाँ बना रहे हैं। और महाराष्ट्र में गणपति बोले तो अलग फेस्टिवल है। ये देखो कितने सुंदर भैया ने गणेश जी की मूर्ति बनाई। क्या नाम भैया आपका? महेश त्रिम्बक कदम। वाह वाह, कितने सालों से बना रहे भैया ये? 18 साल। 18 साल से ये काम कर रहे हो आप? वाह यार, तो मतलब जब गणपति नहीं होते उस समय क्या करते हो? हमारा चालू ही रहता है, कुछ ना कुछ फाइबर का काम चालू रहता है। अच्छा अच्छा, 12 महीने आपका काम ये चलता ही रहता है ना? अच्छा, बहुत काम करते हैं। तो अभी इसमें क्या कर रहे हो आप? अभी इसमें क्या कर रहे हो? ये फाइनल फिनिशिंग है, थोड़ा सा ग्रास का इफेक्ट दे रहा हूँ। अरे वाह बहुत सुंदर बनी है यार आपने ये। ये देखो भाई
हाथ से इन भैया ने ये मूर्ति बनी है। इधर और गणेश जी देखो आप, ये भाई ये बना रहे इधर। अच्छा अच्छा, क्या नाम भैया आपका? ओमकार। ओमकार, वाह भाई। ये देखो भाई, फाइनल टच में गणेश जी कुछ ऐसे दिखते हैं। गजब, पूरी दुकान देखो आप, ये इतनी सी दुकान के अंदर इतना सारा काम कर रहे हैं भाई लोग। चलो भैया, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके यार। मैं निकल चुका हूँ उधर से और बारिश थोड़ी सी हल्की सी तेज़ हो गई है। यहाँ पे देखो भाई, चंगू मुंगू बैठे इधर और यहाँ पे अब थोड़ा उजाला देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है गणपति बैठाने का कार्यक्रम चल रहा है सामने, और एक थोड़ी सी मुझे बड़ी दुकान दिखी है यहाँ पे अंदर। आऊँ? ले भाई, भाई बुला रहे उधर, गणपति बैठाने का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, अभी 31 को है आगमन। अच्छा, 31 को है आगमन। अच्छा, ये देखो भाई, धारावी के अंदर मार्क द डेट, धारावी का सम्राट 31 तारीख को गणपति बप्पा आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ गणेश जी को। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, गणपति बप्पा। तो ये लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं बच्चे लोग। 4 फुट के गली में 24 फुट का गणपति आता है। 4 फुट के गली में 24 फुट का गणपति आता है। देखो भाई, ये गली देख लो आप, इस गली के अंदर से 25-24 फुट के गणेश जी निकलेंगे। ये देखो भाई, इधर भी गणपति तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में मूर्ति का प्राइस क्या है? 3,500 रुपये स्टैंड। कौन सा 3,500 वाला? 1.5 फीट। कहाँ पर है बताओ? जो विदाउट डायमंड होगा वो। देखो ये सब आपको 3,500 का है, ये सब 3,500 का है, और ऊपर में आप अगर जाओगे तो 10,000 तक आपको मूर्ति मिल जाएगी। और इतनी सारी गणपति बाबा की मूर्तियाँ पड़ी है, और एक से एक है। अब ये देखो कितनी सुंदर है, वाह। मिट्टी का है, मिट्टी का है। ये देखो आप कितनी सुंदर है, ये कितने की भैया? 5,500 की है। ये कौन से मेटेरियल से बनी है? ये मेटल है। ये भाई देखो, ये सामने आपको देखने में लग रही है मिट्टी, ये मेटल के वर्क, बहुत सुंदर है सच में। चलो भैया, आपका क्या नाम है? पीयूष। आपका? लक्ष्मी। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, जय हिंद। तो भाई, ये धारावी के बच्चे लोग मुझे पूरा पकड़ के बोल रहे, ये गणपति लो, वो गणपति लो, चाचू चलता रहेगा। अभी मुझे लेके जा रहे हैं बड़ा गणपति दिखाने के लिए। लो भाई, इधर बैठा दिया गया गणपति। भाई साहब, ये देखो आप गणपति यार, अब अंधेरा हो रहा है, इतना दिखेगा नहीं, बाकी नहीं। काफी लंबा है और ऊपर तक है। ये कितने फीट की मूर्ति? अंधेरे में तो दिखी नहीं रही यार। ये 22 फीट की है, वाह। बच्चे बच्चे को पता है कि ये मूर्ति कितनी फीट की है, वो मूर्ति कितनी फीट की है, वो मूर्ति कहाँ मिलेगी, ये मूर्ति कहाँ मिलेगी, कौन से गणपति कहाँ बैठे हैं, कितने तारीख को आगमन है। बच्चे बच्चों को यहाँ पे पता है, क्योंकि यहाँ पे गणपति का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कोई कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा ना तो उसको मार के आप भगा देंगे। ठीक है दादा, ओके भाई। इधर देखो आप, इधर के बेल्ट की दुकान है। क्या प्राइस है भैया बेल्ट का? 250 से शुरुआत है। 250 से शुरुआत, लेदर का प्योर? वाह वाह, आपका क्या नाम भैया? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, बताओ 250 वाला बेल्ट। मैंने आपको बोला था एशिया के अंदर 50% पार्टनरशिप है लेदर मार्केट में धारावी क्षेत्र की। तो भाई साहब, ये 250 का लेदर है, देखो क्वालिटी यार। ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा जाड़ा है ना, थिक है। इसको साइड फिनिशिंग दी है, इसको साइड फिनिशिंग दी है। अच्छा अच्छा, ये दोनों तरफ फिनिशिंग है। ये एक्सपोर्ट आइटम है। अच्छा अच्छा, ये अपना लोकल आइटम है, ये बाहर का जाता है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरा नाम अमर है सर। ये नई की दुकान देखो आप, यार तंबू लगा रखा है और मस्त छोटी सी दुकान है, बहुत पुरानी लग रही है ये भाई। चलो यहाँ से वापस रिटर्न चलते हैं। तो ये था धारावी का पूरा एरिया। यहाँ की जिंदगियों के अंदर जो जोश जुनून और जो जज्बात है मैंने देखा ना आज, इसलिए लोग यहाँ पर हार नहीं मान रहे, चलते जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर थोड़ी गंदगी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। ओहो, बहुत भयंकर स्मेल आ रही है यहाँ पर, खड़ा होने को नहीं हो रहा, लोग कैसे रह रहे होंगे। एक हनुमान जी का मंदिर है, नहीं हो रहा यार, भयंकर वाली स्मेल है। ये बिल्डिंग को देखो आप यार, कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी है, मतलब हर एक कोने इसका भरा हुआ पड़ा है। ये बिल्डिंग में आराम से नहीं करके भी 500-700 लोग या 1,000 लोग रहते होंगे इस बिल्डिंग में। गली गुच्छे से थोड़ा बाहर आया तो ये बड़ी रोड देखने को मिली मुझे। यहाँ पर आपको रिक्शा नहीं मिलेगा, ऐसी टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ देखो कचरा उठाने की गाड़ी आई है, कचरा उठा रही को जिस तरीके से यहाँ पे। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा बाहर निकलूँ, क्योंकि जितना अंदर घुसूँगा भूल भी नहीं है, आप चलते जाओगे चलते जाओगे। तो सामने वो 2-3 बिल्डिंगें देखो आप, कितने पुरानी बिल्डिंग है यार, पता नहीं देख के डर लग रहा है कि ये साली कब गिर ना जाए नीचे। इस बस को पहचानो आप, ये बॉम्बे की पहचान है, इतनी ओल्ड बस है ये देखो आप, ऐसी बसें चलती हैं यहाँ पे बॉम्बे में। थोड़ा सा इधर से आगे आया हूँ ना तो एक जूस की दुकान मिली है मुझे,
यहाँ पे बैठ के अपने जूस पीऊंगा। कौन सा जूस है आपके पास? मैंगो, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चिक्कू। अच्छा, इतने तो फ्रूट नहीं दिख रहे, उतने आपने नाम बता दिए। उतना ये चलो मैंगो पिलाओ, मैंगो। हाँ यार शानदार है। तो भाई जूस पी लिया, शानदार। और अब ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने आप पर सफाई रखें। टिल देन, लाइफ इज़ अ जर्नी।